Hello everyone, hope you all are doing good. So as we all know that we are preparing for the AMET second sem examinations as well as CTET, PTET और उसमें ये बहुत बार questions भी पूछे जाते हैं कि actual में multiple intelligence किसने दी थी, तो उसके बारे में कितनी तरह की intelligence दी थी, multiple intelligence होती क्या है, तो इस तरह के questions बहुत बार arise होते हैं। ये अगर देखा जाए UGC NET में भी paper में आया था question, ठीक है। तो अभी उसके बारे में ही पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में वैसे तो नोट्स हैं, ये आपके UGC नेट में भी काम आ जाएंगे, हॉवर्ड गार्डनर से रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मल्टीपल थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की, ठीक है जी। ऐसे ही हम सिलेबस भी साइड बाय साइड कवर कर देंगे, ये एमएड सेकंड सेम का टॉपिक है, ठीक है जी। साइड बाय साइड सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। आपने अगर UGC नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने नोट्स खुद बना रहे हो तो और भी बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि आपके पास नोट्स होंगे तो आप इजीली पढ़ सकते हो। सो नाउ स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। एक्चुअल में मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस तो आप सबको पता ही है क्या होती है, अपनी बुद्धि की बात की गई है यहाँ पे। मल्टीपल मतलब बहुत सारी तरह की, हर एक जो इंडिविजुअल है हर एक में कोई ना कोई इंटेलिजेंस होती है, किसी ना किसी तरह की होती है। अब वही हम पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस कितनी तरह की होती है और क्या सब होता है। सो फर्स्ट अ साइकोलॉजिकल थ्योरी अबाउट द माइंड, ठीक है जी। पहले तो हमें सबको पता है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो क्या होती है, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी होती है जो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, ठीक है जी। एट डिफरेंट ह्यूमन इंटेलिजेंसेस, तो एट तरह की मतलब आठ तरह की ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, आठ तरह की इंटेलिजेंस मानी जाती है हर एक ह्यूमन में। मतलब कोई ना कोई, ज़रूरी नहीं है एक में ही आठ हो जाएंगी, नो, हर एक में क्या है एक ना एक इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। देन ह्यूमन बीइंग्स लर्न इन वेरियस लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस। ह्यूमंस हैं जो लर्न करते हैं, उस चीज़ को रिमेंबर करते हैं, परफॉर्म करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं उसको बहुत सारे तरीकों से। हर एक बच्चे का या हर एक पर्सन का किसी चीज़ को समझने का नज़रिया अलग है, ठीक है जी। कोई जल्दी ग्रैप अप कर लेता है, किसी को टाइम लगता है उस चीज़ को पढ़ने में। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपकी इंटेलिजेंस का ही पार्ट होती हैं। कि देखो जैसे हम कहते हैं ना, ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, फटाफट पढ़ लेता है, तो वो क्या है, उसकी इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। कुछ होते हैं देर बाद समझते हैं, समझ लेते हैं बट, ठीक है, तो वो उनकी इंटेलिजेंट का हिस्सा है। तो ये हो जाती है इंटेलिजेंस, ठीक है जी। मल्टीपल इंटेलिजेंस इज़ अ टूल नॉट अ गोल। मतलब ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, ये एक तरह से एक टूल का काम करती है, बट ये कोई गोल नहीं है कि जैसे मैंने अपना गोल सेट कर लिया, मुझे तो मल्टीपल इंटेलिजेंस चाहिए, मेरे में हर तरह की इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तो जस्ट एक टूल है, इंटेलिजेंस सिर्फ एक टूल है। आपने पढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो वो इंटेलिजेंस आपके वहाँ काम आती है, ठीक है। ऑल ह्यूमन पोजेस दीज इंटेलिजेंस, ये तो हम सबको पता है कि हर एक ह्यूमन में कोई ना कोई इंटेलिजेंस होती है। बट ईच पर्सन ओन्स देयर यूनिक लर्निंग स्टाइल, ठीक है जी। पर हर एक पर्सन में अपना एक अलग उस चीज़ को सीखने का नज़रिया होता है, तरीका होता है, ठीक है जी। तो अब मेन हम आएंगे हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पे, कि ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थी वो किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन CTET में भी पूछा गया था, PTET में भी पूछा गया था, UGC नेट में भी आया था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, तो उसका आंसर था हॉवर्ड गार्डनर। तो जो हॉवर्ड गार्डनर थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है जी। उन्होंने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, और थ्योरी प्रपोज बाय हॉवर्ड गार्डनर प्रोफेसर, ठीक है, विच स्टेट्स दैट, उन्होंने क्या बोला अपनी थ्योरी में कि आठ तरह की बेसिक इंटेलिजेंस होती है जो लोगों में होती है। उन्होंने कहा हर एक पर्सन में, मतलब जो लोग हैं हर पर्सन में क्या है, आठ तरह की इंटेलिजेंस होती है, आठ में से कोई एक, बट एक्चुअल में सभी लोगों में जो देखा जाए तो बेसिक गिनकर आठ इंटेलिजेंस होती है। दिस थ्योरी प्रपोजेस, इस थ्योरी में क्या बताया गया, दैट स्कूल्स शुड इनकॉर्पोरेट ऑल द एट इंटेलिजेंस into daily lessons in an effort to reach every student. तो गार्डनर ने बोला कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं ना, हम एज अ टीचर क्या करें, डेली अपने lessons में इस तरह की इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करें ताकि हर एक बच्चे की इंटेलिजेंस हमें पता लग सके, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे की इंटेलिजेंस हमें पता लग सके। तो एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई लेसन पढ़ाते हैं कुछ ऐसा पढ़ाना चाहिए हमें जिससे उनकी इंटेलिजेंस हम परख सकें, ठीक है। तो
तो ये सब चीज़ें। तो हॉवर्ड गार्नर के अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्नर, तो हॉवर्ड गार्नर ने इंटेलिजेंस को लेकर क्या बोला, उन्होंने बोला द इंटेलिजेंस आर द लैंग्वेजेस दैट ऑल द पीपल स्पीक। कि इंटेलिजेंस क्या है, एक तरह से एक लैंग्वेज होती है जिससे वो इंसान बोलता है। कहने का मतलब देखो, ऐसे नहीं कि बोलता है बड़बड़ करता है, नो, द थिंग इज कि जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, राम का, श्याम का, श्याम का ले लिया चलो, उसमें क्या है, जो श्याम है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, टेस्ट अच्छे दे रहा है स्कूल में, तो मतलब क्या है, खुद उसकी पढ़ाई बोल रही है कि हाँ ये इंटेलिजेंट बच्चा है। तो वो इंटेलिजेंस भी क्या है, एक लैंग्वेज है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताने के लिए, ठीक है। And are influenced in a part by the cultures in which we are born. ये जो intelligence होती है ना, कई बार इस चीज़ पर भी, जैसे कहते हैं ना, एक बच्चे की जो development होती है वो heredity और environment दोनों से ही affected होती है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं affect करती है। तो ये चीज़ भी depend करती है कि आप कैसे culture से belong करते हो। They are the tools for learning, problem solving and creating throughout the life. ठीक है जी, तो इससे क्या होता है, अगर आप इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंस है आप में, इंटेलिजेंट डजंट मीन कि पढ़ाई में सिर्फ इंटेलिजेंट हो, नो, इंटेलिजेंस बहुत तरह की होती है, हम आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है जी। तो एक ना एक चीज़ में कोई इंसान इंटेलिजेंट होता है, और उससे क्या होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आ जाती हैं उस बच्चे में। देन आठ तरह की इंटेलिजेंस कौन सी थी जो हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। सबसे पहली थी वर्बल लिंग्विस्टिक, सेकंड इज लॉजिकल मैथमेटिकल, मतलब जो मैथमेटिक्स में तेज है, देन विजुअल स्पेशियल, स्पेसेस का काम करने में, जैसे आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, ठीक है। देन कम नेचुरलिस्ट, मतलब एनिमल्स बर्ड्स को ऑब्जर्व करना, ये चीज़ें नेचर वाइज। बॉडीली काइनेस्टिक्स, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ में तेज होता है। म्यूजिकल, कि कोई म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, उस चीज़ को लेकर बहुत, मतलब कहते हैं ना, उसका निखरा हुआ होता है एक तरह से, बिल्कुल, मतलब उसको एक एक चीज़ पता होती है म्यूज़िक के बारे में। देन कम इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मीन्स कि हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एक एक करके हम एक एक इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज़ वर्बल लिंग्विस्टिक, पहली इंटेलिजेंस है ये। ये क्या होती है, वर्बल मतलब क्या होता है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, वर्बल मतलब जब आप बोलते हो उस लैंग्वेज को। तो ये भी क्या है, देखो हर एक का बोलने का तरीका अलग है, सुनने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है, तो ये सब क्या है, एक तरह से वर्बल लिंग्विस्टिक है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है। जैसी आपकी लैंग्वेज होगी वैसा आप लिखोगे, जैसी आपको इंटेलिजेंस होगी उस लैंग्वेज के बारे में आपको पता होगा, आप उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। द अबिलिटी टू थिंक इन वर्ड्स एंड टू यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस एंड अप्रिशिएट कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स, ठीक है जी। मतलब ऐसा पर्सन जिसमें एक एबिलिटी है वर्ड्स को सोचने की, जैसे कई होते हैं ना छोटे बच्चे की जोड़ जोड़ के अक्षरों को एक वर्ड बना लेते हैं अच्छा सा, तो बस वही चीज़ है कि उनमें एक एबिलिटी होती है, इंटेलिजेंस होती है हर एक में वर्बल लिंग्विस्टिक की, कि वो वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड बना लेते हैं एंड उस लैंग्वेज को, मतलब उस चीज़ को फिर अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये भी एक तरह से इंटेलिजेंस होती है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, जैसे अब मैंने ये नोट्स बनाए, मैंने खुद की मेहनत से ये नोट्स बनाए, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट द थिंग इज़ अगर मैं ऐसे इस नोट्स को डाल देती तो क्या आपके लिए फ़ायदेमंद होता, नहीं होता। बट ये भी क्या है, एक इंटेलिजेंस का ही हिस्सा माना जाता है कि मैंने पहले खुद नोट्स बनाए, खुद इसको समझा, अब मैं आपको समझा रही हूँ और आप अच्छे से समझ पा रहे हो, मतलब मैं अपने जो लिखा है, जो मैंने लिखा है वो मैं अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक एक लाइन ज़रूर अंडरलाइन कर रही हूँ, बट एक एक लाइन समझा थोड़ी रही हूँ, बट द थिंग इज़ मैं आपको ये समझा रही हूँ कि उस चीज़ में है क्या, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटेलिजेंस का हिस्सा है। देन मोस्टली कौन यूज़ करता है ये वर्बल लिंग्विस्टिक, ऑथर्स होते हैं जो, ठीक है, बुक्स वगैरह लिखते हैं, पोएट्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, अखबार वाले, स्पीकर्स हो गए, ठीक है, न्यूज़कास्टर हो गए, एग्जिबिट अ वेल डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इंटेलिजेंस। उनको देखो लिखना पड़ता है अपनी लैंग्वेज में सारी खबर बना के, चटपटी करके, तो ये क्या है, एक तरह से ये भी इंटेलिजेंस होती है, क्रिएटिविटी होती है कि कौन से वर्ड्स हमने कब यूज़ करने हैं, कैसे हमने अपना काम चलाना है। पोएट्स हैं वो, क्या है, पोएट्स क्या करते हैं, कोई भी शायरी वगैरह होती है, पोएम होती है, उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये भी एक इंटेलिजेंस हुई, ठीक है जी। देन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के, देखो रीडिंग करना,
ठीक है जी, स्पीकिंग करना, लिसनिंग करना और राइट करना उस चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं कुछ. लिसनिंग में क्या आ जाती है? स्टोरी टेलिंग, कि आप किसी को स्टोरी सुना रहे हो या किसी की स्टोरी सुन रहे हो. तो ये भी क्या है? एक तरह से इंटेलिजेंस है कि कैसे वो सामने वाला खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है या आप कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो उसको. क्लासरूम डिस्कशंस हो गई तो वहाँ पे स्पीकिंग की एग्जांपल्स आ जाएंगी. देन कम्स रीडिंग में, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू रीड. आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो रीड करने के लिए. देन डेवलपिंग अ पैशन फॉर वर्ड्स. राइटिंग, पैशन मतलब राइटिंग, कहने का मतलब जैसे मुझे लिखने का बहुत शौक है, ठीक है. लिखने का शौक भी छोड़ो, जैसे मैंने ये नोट्स बनाए, पहले मैंने उस चीज़ को समझा, फिर मैंने अपने वर्ड्स में ये नोट्स बनाए. मतलब ये एक तरह से क्या हो गई? इंटेलिजेंस का ही हिस्सा हो गई, ठीक है जी. मतलब एक पैशन है वर्ड्स को ज्वाइन करके एक सेंस बनाने में, तो ये भी क्या है? इंटेलिजेंस का हिस्सा होता है, ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्कूल्स में देख सकते हो आपके ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं. ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक्स मिलते हैं, आप वर्ड्स जोड़ के जैसे तैसे करके वो ऐसे बनाते हो, कुछ तो सोचते हो, दिमाग चलाते हो, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, अपने वर्ड्स में लिखते हो. ये क्या है? एक इंटेलिजेंस का पार्ट है, ठीक है जी. देन कम्स द सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. तो लॉजिकल मैथमेटिकल मतलब मैथ्स करनी है, लॉजिक लगाने हैं, तो ये भी तो इंटेलिजेंस हुई एक, ठीक है जी. मतलब आपकी एक एबिलिटी है, उस पर्सन की एक एबिलिटी है उस चीज़ को कैलकुलेट करने की, प्रपोजिशंस एंड हाइपोथेसिस एंड कैरी डू टू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस. डिवीजन करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, HCF करना है, LCM करना है, ये सब क्या है उनको पता होता है. और ये काम किन का होता है? ये देखो, ये पार्ट्स ना हमेशा याद रखना है, इससे आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया पहले वर्बल लिंग्विस्टिक में कि ये ऑथर्स के काम है, पोएट्स के काम है, तो वैसे ही जो कैलकुलेशंस हैं मोस्टली किन का काम है? साइंटिस्ट को ज़रूरत पड़ती है डेली के डेली वेदर रिपोर्ट्स देखना, कोई केमिकल के साथ कुछ भी, मतलब जो केमिस्ट्स होते हैं इनका काम होता है, ठीक है. अकाउंटेंट्स हो गए, डेली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उनके पास, तो ठीक है. इंजीनियर्स हो गए, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हो गए, ये क्या है? बहुत ही अच्छे से ये कैलकुलेशंस कर पाते हैं, और ये मतलब उनमें एक इंटेलिजेंस है, गुण है उनमें ये एक, ठीक है जी. वो कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं, हर एक कोई नहीं कर पाता. अब मुझे देख लो, मेरा मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल प्लस माइनस डिविजन कर दूँ कि उसके बाद तो मैथ्स में ख़त्म हो मैं, ठीक है. तो मतलब मुझ में ये इंटेलिजेंस तो बिल्कुल नहीं है. देन कम्स द विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस. विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस क्या होती है? ये होती है कि आप कैसे तीनों दिशाओं में सोच सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो. कहने का मतलब स्पेशल मतलब उतनी स्पेस में, ठीक है. दैट इज़ टू प्रिजीव एक्सटर्नल एंड इंटरनल इमेजिनरी. इमेजिनेशन करनी है इसमें, उस चीज़ को रिक्रिएट करना है, ठीक है. मैंने कुछ इमेजिन किया, जैसे मैं एक बहुत बड़ी पेंटर हूँ, मैंने कुछ इमेजिन किया कि हाँ ऐसा बन सकता है, मुझे ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो मैं उस चीज़ को करूँगी, रिक्रिएट करूँगी, चाहे कोई पुरानी चीज़ें उठा के फिर से रिक्रिएट करूँगी. तो वो क्या हो जाएगा? एक तरह से विजुअल स्पेशल. विजुअल मतलब जो मैंने विजुअलाइज किया, जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, उसको बाद में मैंने खुद करके देखा, ठीक है. देन या ट्रांसफॉर्म करो या मॉडिफाई करो टू नेविगेट वन सेल्फ एंड ऑब्जेक्ट्स थ्रू स्पेस एंड टू प्रोड्यूस ग्राफिक इन्फॉर्मेशन. जैसे सेलर्स हो गए, पायलट्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनके दिमाग में कुछ तो होता होगा जब वो नक्शा बना के लेके आते हैं. इतनी अच्छी अच्छी जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है, वो नक्शा बनाते हैं, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल होते हैं. तो ये क्या है? एक तरह से स्किल ही हो गई, उनमें ये एक इंटेलिजेंस हो गई, ठीक है जी. देन कम विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इसका ही हिस्सा है. दैट इज़, एवर हर्ड द फेस, क्या आपने सुना है? अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 words. विजुअल वाइट कैन हेल्प गिव अ मीनिंग टू स्टूडेंट्स बियॉन्ड वट सिंपल वर्ड्स कैन कन्वे. जैसे कहते हैं ना कि अगर एक सिंपल सी पिक्चर भी हो ना, वो भी बहुत कुछ बोल जाती है. बस वही चीज़ है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कि आप अगर बच्चे को प्यार से कोई छोटी सी चीज़ भी पढ़ा दो ना, सिंपल वर्ड्स में भी समझा दो, तो भी वो उस चीज़ को समझ जाएगा. बट उसकी इमेजिनेशन आपको सही करनी पड़ेगी बच्चे की, ठीक है. यूजिंग कलर्स एज अ टूल, आप इसमें क्या कर सकते हो? कलर्स यूज़ कर सकते हो. ब्लैक बोर्ड पर आप कुछ लिख रहे हो, उसको कलरफुल बना दो, डिफरेंट डिफरेंट चॉक से लिखो, बच्चा खुद
मतलब खींचा चला आएगा आपकी तरफ कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, मैम बहुत कलरफुल सी चीज़ बना रही है, कोई डायग्राम बना लिया, ऐसा कुछ. वर्किंग विद कलर्स हेल्प्स टू इंगेज द सेंसेस मेकिंग मटीरियल मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल. आई होप ये समझ आ गया, मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ इसमें. ठीक है जी, अब आते हैं हम फोर्थ इंटेलिजेंस पे जो है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस. तो देखिए ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब हम अपनी बॉडी का यूज़ करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई डॉक्टर है जिस टाइम वो ऑपरेशन करता है किसी पेशेंट का, डांसर हो गए, अपनी बॉडी का जब प्रॉपर यूज़ किया जाता है तो उस टाइम हम कौन सी इंटेलिजेंस बोलेंगे, हम उसको बॉडीली काइनेस्थेटिक. ठीक है जी, जैसे होते हैं ना कुछ लोग, देखो अगर हम कंपेयर करके चले तो देखो हर एक में एथलेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो चीज़ तो नहीं होती ना. हर एक कोई नहीं चाहता कि मैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ करूँ, कहीं तो इतने सुस्त तो होते हैं. मतलब ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है जो हर एक पर्सन में नहीं होती. कई होते हैं कि मुझे फुटबॉलर बनना है, ठीक है जी, मुझे क्रिकेटर बनना है, मतलब उनमें बॉडीली काइनेस्थेटिक होती है. ठीक है, उनमें ये इंटेलिजेंस होती है कि हमने अपनी बॉडी का प्रॉपर यूज़ करना है. ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स करनी है. तो टू पोजेस एन एक्यूट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट्स एंड फाइन ट्यून फिजिकल स्किल्स, मतलब फिजिकल स्किल्स होना, बॉडी की मूवमेंट होना, तो ये सब क्या है, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है. और किन किन में होती है, एथलीट्स में, डांसर्स में, सर्जन्स में, क्राफ्ट्स पर्सन, वो टैलेंटेड होते हैं इस तरह की इंटेलिजेंस को लेकर. लाइक मूवमेंट इन द करिकुलम, ठीक है, डांसिंग इज़ एन एक्सीलेंट वे फॉर स्टूडेंट्स, कि जैसे हम अपने करिकुलम में चेंजेस लेके आ सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे में इस तरह की इंटेलिजेंस आए तो हम क्या कर सकते हैं, वो साइड बाय साइड भी मैंने तभी नोट्स में इसको इन्वॉल्व किया है ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए, एज अ टीचर भी आपके काम आए कहीं ना कहीं, कि अगर हमने बच्चों की इस इंटेलिजेंस को सही करना है, बॉडीली काइनेस्थेटिक उनको फिजिकल स्किल्स में इन्वॉल्व करना है, तो डांसिंग उसका सबसे अच्छा वे है. स्कूल में हम डांसिंग प्रोग्राम्स करवाते हैं, हर एक को मौका दें. ठीक है जी, चलो जो नहीं करना चाहता वो बात अलग है, हमारा काम है हम एक बार उनको मोटिवेट करें. ठीक है जी, एक एक्सीलेंट वे है बच्चों के लिए ताकि वो इन्वॉल्व हो उस सब्जेक्ट मैटर में फिजिकली और इमोशनली. देन एक्सरसाइज ब्रेक्स, जैसे आपकी क्लासरूम है, जब हमारे क्या होता है लंच टाइम होता है, उसके बाद तो बच्चे इतना सुस्त हो जाते हैं, फोर्सफुली उनको पढ़ाया जाता है, एक तरह से उनका मन ही नहीं करता लंच ब्रेक के बाद पढ़ने का. ठीक है, तो हम क्या है, बच्चों को बोल सकते हैं कि इधर उधर, जैसे हम क्लासरूम में कुछ एक्टिविटी थोड़ी बहुत करवा सकते हैं जिसमें उनकी बॉडी मूवमेंट्स हो ताकि वो फिर से फ्रेशन अप हो जाए. ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, कुछ एक्सरसाइज ब्रेक्स करवाई जाए. देन कम म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये अगली तरह की इंटेलिजेंस है. म्यूजिकल इंटेलिजेंस मीन्स हर एक में म्यूजिक का गुण नहीं होता, हर एक कोई सिंगर नहीं होता, तो ये इंटेलिजेंस भी किसी किसी में होती है, भगवान ने आपको गिफ्ट की है. ठीक है जी, जिसकी पिच अच्छी हो, मेलोडी वॉइस अच्छी हो, हर एक की इतने सुर नहीं लग सकते. ठीक है जी, तो रिदम अच्छी हो, किसी पर्सन की टोन अच्छी हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये भी एक इंटेलिजेंस का हिस्सा होते हैं. जैसे किसमें होती है, कंपोजर्स में, कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स की टोन देखी होगी आपने कितना चीख चिल्ला के बोलते हैं बसेस में, म्यूजिशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंट मेकर्स हो गए, दे हैव कीन सेंसिबिलिटी व्हेन यूजिंग दिस इंटेलिजेंस. ठीक है जी, क्रिएटिंग अ म्यूजिकल एनवायरनमेंट, ऑफन इट इज़ डिफिकल्ट टू काम द चिल्ड्रन डाउन आफ्टर एन एक्साइटिंग एक्टिविटी और गेट देम मोटिवेटेड व्हेन दे आर टायर्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे होते हैं किसी एक्टिविटीज़ के बाद क्या हो जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं, तो जो म्यूज़िक होता है वो हमारे माइंड को काम करता है. हमने भी कई बार देखा होगा, ठीक है, हम जैसे टीचर्स हैं, चाहे हमारी लाइफ में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ठीक है, तो हम अपना माइंड शांत करने के लिए कई बार क्या करते हैं, ब्लूटूथ अटैच करके हेडफोन्स लगा लेते हैं अपने, ताकि हम गाने सुन सकें, कई लाउड स्पीकर्स पे लगा लेते हैं कुछ सॉफ्ट वॉइसेस वाले गाने, ठीक है, ताकि उनका माइंड क्या है थोड़ा शांत हो सके, उनका जो सारे दिन की थकान है वो उतर सके, तो ये भी क्या है, एक तरह की इंटेलिजेंस ही होती है. ठीक है, यहाँ पर हम इस इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए भी. म्यूजिक इन कंटेंट एरियाज, दैट इज यूजिंग द म्यूजिक एंड म्यूजिकल रिलेटेड एक्टिविटी टू सप्लीमेंट योर इंस्ट्रक्शंस इज अ वे कैप्टिवेट एंड होल्ड स्टूडेंट्स अटेंशन.
एक म्यूज़िक ही ऐसा वे है जब आप बच्चों की अटेंशन गेन कर सकते हैं एक तरह से, जैसे होता है ना क्लासरूम में हम खड़ा कर देते हैं एक बच्चे को कि चलो आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, आप गाना गाओ, तो सभी बच्चे उसकी तरफ अटेंटिव होकर देखते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह से कला हो जाती है, इंटेलिजेंस हो जाती है। देन कम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटर होता है, इंटरपर्सनल मतलब हम सामने वाले से कैसे बातचीत करते हैं, ये भी एक इंटेलिजेंस है। हर एक को बात करना नहीं आता, कई तो बिल्कुल ज़्यादा ही खुले होकर बात करते हैं, कईयों को पता होता है अपनी लिमिट की मुझे कैसे बात करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने सामने वाले से बात कैसे करनी है, कॉम्युनिकेट कैसे करना है। द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, ये भी बात करना किसी से, ये भी एक गुण होता है, हर एक में नहीं होता। कई तो बहुत बड़े बोले होते हैं, बोलते रहते हैं कुछ भी सामने वाला चाहे ध्यान दे या ना दे, तो वो भी क्या है, एक गलत चीज़ है। तो ये भी एक स्किल होती है कि सामने वाले को पता है कि हमने दूसरे से बातचीत कैसे करनी है, ठीक है। टीचर्स हो गए, टीचर्स को भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, प्रिंसिपल के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो उनको वो जो दायरा होता है ना वो बना के रखना पड़ता है, उनको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। एक्टर्स हो गए, उनको भी जैसे स्क्रिप्ट्स दी जाती हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि इतना बोलना है, ठीक है। पॉलिटिशियंस हो गए, वो भी अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके रखते हैं कि फालतू ना कुछ बोलो जाए हमसे, ठीक है। सोशल वर्कर्स हो गए, उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि लोगों के साथ बातचीत करनी कैसे है, इंटरैक्ट करना कैसे है, ठीक है। क्लासरूम रूल्स एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, बच्चों की लड़ाई हो गई तो एक टीचर ही है उसको रिजॉल्व करवा सकता है, ठीक है, सही करवा सकता है उन दोनों के बीच की लड़ाई। तो एक टीचर को पता होना चाहिए कि कितना बोलना है, किस बच्चे को क्या बोलना है जिससे उनकी लड़ाई क्या है सॉल्व हो जाए। तो ये भी क्या है, एक इंटेलिजेंस ही हुई, ठीक है ना। दूसरी आती है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है कि हम खुद से कैसे बात करते हैं, खुद को कैसे डायरेक्ट करते हैं कि हाँ ये मेरा गोल है, मुझे ये करना है, तो मुझे ही करना पड़ेगा। वो हो जाती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कि हम खुद से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इंटर हो जाता है कि हम दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इंट्रा हो जाता है कि हम खुद से कैसे कर रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग करना, अपनी लाइफ को डायरेक्ट करना, फ्यूचर प्लान करना, ये बात तो हम खुद से ही करेंगे। जैसे थियोलॉजिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, फिलोसोफर्स हो गए, वो इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिलोसोफर्स, उन्होंने फिलोसफी बनानी है, लाइफ के बारे में एक एक चीज़ ऑब्जर्व की है, खुद से बातचीत की है, तो जाके उन्होंने फिलोसफीज लिखी, ठीक है। गेटिंग टू नो योर सेल्फ, खुद के बारे में पता होना, अपनी वैल्यू पता होना, सेल्फ इस्टीम आपने पढ़ा होगा, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में बहुत अच्छे से, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं इंटरपर्सनल में, ठीक है। इमोशंस इन द क्लासरूम, हर एक बच्चे के इमोशन को ध्यान रखना, तो ये भी क्या एक इंटरपर्सनल का ही हिस्सा हो गया। देन कम नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, दैट इज लास्ट इंटेलिजेंस। तो देखिए नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप नेचर को कैसे ऑब्जर्व करते हैं अराउंड योर सेल्फ, एनिमल्स, बर्ड्स, उनको किस नज़रिए से देखते हैं, वो चीज़ आ जाती है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। अप्रिशिएट करना नेचर को, ये इंटेलिजेंस भी किसी किसी में होती है, ठीक है। वरना कई तो होते हैं जो कहते हैं कि हाय हमारे घर के छत के ऊपर देखो कितने कौवे हैं, कई अप्रिशिएट करेंगे दैट सी हाउ ब्यूटिफुल ही और शी इज़ वट एवर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपका एक नज़रिया हो जाता है उस चीज़ को देखने का, नेचर को देखने का। टू ऑब्जर्व द पैटर्न्स इन नेचर, आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्ट्स को, क्लासीफाई करना, अंडरस्टैंड करना नेचुरल और ह्यूमन मेड सिस्टम्स को, ये आ जाती है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस में। ये कौन कर सकता है, फार्मर्स। फार्मर्स सबसे अच्छी, देखो खेती बाड़ी करते हैं ना, एग्रीकल्चर करते हैं, सभी ध्यान देते हैं कि मतलब हमें किस टाइम पे क्या चीज़ उगानी है, ठीक है, कोई खाद वगैरह वट एवर जो भी उन्होंने यूज़ करना है, मतलब उनको पता है कि नेचर के लिए किस टाइम क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ हमें नहीं ज़रूरी है। बॉटनिस्ट हो गए जो पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, हंटर्स हो गए, लैंडस्केप्स देखिए, आर नेचुरली इंक्लाइन टू यूज दिस इंटेलिजेंस। नेचर इज़ ऑल अराउंड अस, नेचर हमें सबको पता है हमारे आसपास ही है। डेवलप अ बिग पिक्चर मेंटली इन स्टूडेंट्स, ठीक है, कि आप बच्चे को अगर बाहर लेके जाओगे एज अ टीचर, आप उनको फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाओगे, ऑब्जर्व करवाओगे उनको एक एक चीज़, तो बच्चे का जो मतलब वो ऑरा होता है थोड़ा बढ़ चढ़ के आउट ऑफ बॉक्स वो सोचेगा, ठीक है, नेचर में बैठ के।
The word म्यूजियम actually means a place of inspiration and study. और जो म्यूजियम है, म्यूजियम किस चीज़ के लिए होता है? बच्चे को इंस्पायर करने के लिए और स्टडी करने के लिए. ये एक एग्जाम्पल ली है जस्ट मैंने, ठीक है. और ये सब आपको समझ आ गए होंगे आई होप अच्छे से, ठीक है जी. फिर भी कहीं अगर कमी रह गई हो देन आई एम वेरी सॉरी. और अगर कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूँगी, ठीक है. देन पब्लिकेशंस आ जाती हैं लास्ट में हॉवर्ड गार्डनर की, कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी. ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, बाय चांस अगर एग्ज़ाम्स में भी फर्दर आपको आ जाए. बट अगर एग्ज़ाम्स में भी अगर आप लिख के आ जाओ तो भी कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, ठीक है. मार्क्स ही मिलेंगे आपको अच्छे से. आर्ट माइंड एंड ब्रेन, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी उन्होंने. फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक लिखी थी. हु ओज इंटेलिजेंस, ये इनकी ही बुक थी. ये सारी पब्लिकेशंस किसकी है? हॉवर्ड गार्डनर की. आई होप टूडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू. और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.